हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। टेक्सटाइल से क्वेश्चन लाए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निटिंग के कितने भाग होते हैं? निटिंग के कितने भाग होते हैं? तो निटिंग के दो भाग होते हैं, कोर्सेज एवं वेल। पहला क्या है? कोर्सेज, और दूसरा क्या है? वेल है। तो बाना का जो धागा होता है उसे कोर्सेज कहा जाता है। ताना का जो धागा हो उससे क्या कहा, वेल को क्या कहा जाता है? ताना के, ताने के धागों को कहा जाता है वेल। आगे क्वेश्चन है कि कोशिश की संरचना कैसी होती है? तो कोशिश की संरचना क्षैतिज संरचना होती है। आगे है क्वेश्चन कि एक ही रंग का ऊन एक समान में किया जाता है या किसके अंतर्गत आता है? तो कोशिश के अंतर्गत आता है। फ्लेट डिजाइन सर्पिलाकार चौड़ा वृत्ताकार किस डिजाइन में आता है? तो कोशिश के अंतर्गत आता है। कोशिश क्या है? बाना है। वेल की डिजाइन कैसी बनती है? तो वेल की डिजाइन फ्लैट डिजाइन बनती है। तो वेल क्या है? ये कोशिश क्या है? ये बाना है। और वेल क्या है? ये ताना है। वेल डिजाइन कौन सा रेखा बनाती है? तो वेल डिजाइन कौन सा रेखा बनाती है? तो वर्टिकल रेखा बनाती है। वेल में ताना आता है या बाना? तो वेल में क्या आता है? ताना आता है। आगे क्वेश्चन है, असमान फंदों के द्वारा वस्त्र पर किस प्रकार की निटिंग की जाती है? तो रिब निटिंग की जाती है। रिब निटिंग में स्वेटर, कलाई का बॉर्डर। रिब निटिंग के अंतर्गत क्या कौन कौन सी डिजाइनिंग की जाती है? स्वेटर बनाया जाता है, बुना जाता है, कलाई का बॉर्डर बनाया जाता है, और गले का कॉलर आदि बनाए जाते हैं। किससे? रिब निटिंग से। अंडर गारमेंट्स छोटे बच्चों के कपड़े की बुनाई किस बुनाई द्वारा की जाती है? तो स्टॉक नेट बुनाई के द्वारा की जाती है, स्टॉकिंग नेट के द्वारा की जाती है। किस बुनाई में फंदे व्यवस्थित क्रम में बंधे होते हैं? तो टेबुलर बुनाई में फंदे क्या होते हैं? व्यवस्थित क्रम में बंधे होते हैं। पर्ल संरचना में सामने से कौन सा फंदा खींचा जाता है? तो आड़ी जो कोश फंदा होता है उसे खींचा जाता है। पर्ल बुनाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो लिंक एंड लिंक स्टिच के नाम से जाना जाता है। पर्ल डिजाइन में उल्टे फंदे किस प्रकार के दिखाई देते हैं? तो मोती के समान दिखाई देते हैं। एक सेट ऊनी एक सेट सूती बुनाई किस बुनाई में बताया गया है? तो दोहरी बुनाई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े को किस प्रोसेस के द्वारा बाधा जाता है? तो इंटरलॉकिंग प्रोसेस के द्वारा बाधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसेल को क्या कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ डिजाइन, डिजाइन की रानी कहा जाता है रेसेल को। मेलेनीज को क्या कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ ऑल निटेड फैब्रिक। किसे कहा जाता है? मेलेनीज को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, डायमंड के आकार का आकार सा प्रभाव कौन देता है? तो मेलेनीज देता है। ट्रिकोट क्या है? तो यह एक प्रकार का मशीन है। लहरदार फरदार वस्त्र एवं छोटे एवं बड़े नमूने के वस्त्र है, यह किस मशीन के अंतर्गत आता है? तो ट्रिकोट मशीन के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर का तापमान होता है तो कितना? 250 फारेनहाइट होता है। लोकोमीटर प्रणाली है तो कंकाल तंत्र की प्रणाली लोकोमीटर है। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो किसका है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की। यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे आयोग होगा। आयोग की स्थापना हुई थी तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की। समय मापक इकाई TMU एक सेकेंड का भाग होता है तो 0.036 होता है। मेड्रिन एक प्रकार का क्या है? तो कालर है। भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है तो कितना है? 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या है? चेचक के विषाणु का नाम है। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी तो विलियम
हेनरी पार्किंग ने की थी। आगे क्वेश्चन है, कैम्फलर आहार प्रयोग होता है तो उच्च रक्तचाप में होता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो 1929 में लागू हुआ था। पोषण विज्ञान के जनक कौन है? तो लाइबोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? तो जीन पियाजे ने लिखी थी। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है तो त्रिकोणी पट्टी बांधी जाती है। सिर में दो पट्टियां लगती हैं तो उसमें कैसी पट्टी बांधी जाती है? त्रिकोणी। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में दिव्यांग के लिए आरक्षित प्रतिशत है तो 3% है। PCPNDT का संबंध है तो 1994 से है। लैब टू लैंड प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1981 में शुरू किया गया था। पैनल वार्ता में कितने लोग शामिल होते हैं? तो 5 से 6 लोग। ICAR की स्थापना कब हुई थी? तो 23 मई 1929 से हुई थी। आगे है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है तो नसों तथा मांसपेशियों का विद्युत परीक्षण मापता है। एमीबिक पेचिस फैलाने का क्या कारण है? तो अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितना होना चाहिए? तो 7 सेमी। बोमैन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? तो गुर्दा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रासिट का अर्थ है तो रबड़ या मुंजामे के ऊपर बिछाए जाने वाली चादर। एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है तो क्या है? गुर्दे के ऊपर। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है? तो गर्भावस्था में होती है। ऐसी बीमारी डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज जो है कि गर्भावस्था में होती है। NIPCCD की स्थापना कब हुई? तो 4 जुलाई 1975 में हुई थी। पोलियो की दवा के आविष्कारक है तो जेम्स साल्क है। प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान है तो पोस्टमार्टम है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो प्लेसेंटा के द्वारा होती है। प्रसार सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। शबनम किसका नाम था? तो मलमल के कपड़े का नाम शबनम था। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान नहीं करने के कारण हो सकता है तो रिपनिंग हो सकता है। हैप्लॉइड नंबर शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ था? तो मियोसिस से हुआ था। IEC का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन तथा कम्युनिकेशन। PERT है तो ट्रॉपिकल मॉडल। वार्ड रूप शब्द दर्शाता है तो कपड़ों का संग्रह। सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं तो इलास्टिक एवं चुटपुट। आज के लिए इतना ही। यहाँ इतने सब क्वेश्चन बनाए गए हैं तो आप लोग को प्लीज़ क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।